नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। आज का टॉपिक है लड़का कैसे पैदा करें। दोस्तों, आजकल देखा जा रहा है कि लड़का न होने की वजह और जिम्मेदारी सिर्फ फीमेल पार्टनर को दी जाती है, जबकि मेरे हिसाब से फीमेल पार्टनर का इसमें कोई रोल ही नहीं है। अगर हम बात करें तो फीमेल के अंदर एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं और मेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम पाया जाता है, और वाई क्रोमोसोम ही होता है जो लड़कों में पाया जाता है। तो लड़का ही इसके लिए जिम्मेदार होता है कि लड़का पैदा हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी के बारे में समझेंगे कि आप कब और कैसे लड़का प्लान कर सकते हैं। अगर मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे हिसाब से सारे काम करेंगे, जो भी मैं बताऊंगा उसको फॉलो करेंगे, तो आपको लड़का होने के चांस बढ़ जाएंगे। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, एक फीमेल के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। आप में से ज़्यादातर लोग ये जानते होंगे। तो जब फीमेल का ओवुलेशन होता है तो, और उस समय पे अगर मेल का स्पर्म मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, और जब एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तो लड़की का जन्म होता है, और एक्स वाई क्रोमोसोम मिलते हैं तो लड़की का जन्म होता है। और बाद में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कुछ दवाई ले लें, उनसे जो है सेक्स चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो है जिस दिन फर्टिलाइजेशन होता है उसी दिन ये डिसाइड हो जाता है कि लड़का होगा या लड़की। और बाद में कुछ लोग कहते हैं जब आप प्रेग्नेंट हो जाओ उसके बाद आ जाना, हम आपको दवाई दे देंगे, उससे आपको लड़का हो जाएगा। तो ये पूरी तरह से मिथ है। ऐसे किसी भी आदमी के चक्कर में ना आए कि वो आपको लड़का होने की दवाई देगा और उससे आपका लड़का होगा, क्योंकि ये तो जब एग और स्पर्म दोनों मिलते हैं और फर्टिलाइज हो जाता है, जायगोट बन जाता है, तो वो ये निश्चित हो जाता है कि लड़का है या लड़की। उसी समय ये बात पूर्ण हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब जो भी बनना था वो बन चुका है, लड़का था या लड़की थी वो जो है डिसाइड हो चुका है, अब उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। तो इस बात से बिल्कुल सावधान रहें कि कोई आपसे कहे कि आप दूसरे महीने में या एक महीने में या तीन महीने में मेरे से दवाई ले लेना, उससे लड़का हो जाएगा, तो ये पूरी तरह झूठी बात है, इसको बिल्कुल फॉलो ना करें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है कि आपको लड़का ही हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल ध्यान में रखना है, और अगर आपका पीरियड 28 दिन का है तो आपको 12वें दिन से 18वें दिन का ख्याल रखना है, और 12वें दिन से 18वें दिन तक आपको रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है। और बताना चाहूँगा कि आप अगर सटीक चाहते हैं कि आपको लड़का ही हो तो आपको अपने ओवुलेशन को ट्रैक करना होगा। ओवुलेशन को ट्रैक करने के लिए बाजार में जो है ओवुलेशन किट मिलती है, प्रेगनेंसी जांच करने की किट आती है, उसी तरह ओवुलेशन ट्रेस करने के लिए आपको एक किट मिलती है। ठीक उसी तरह आपको यूरिन के द्वारा अपना जो है ओवुलेशन डे ट्रेस करना है, और जिस दिन आपका ओवुलेशन डे है अगर उस दिन आप सेक्स करेंगे तो बहुत बड़े चांस होंगे कि आपको लड़का ही होगा। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके सीमन में कोई प्रॉब्लम है, आपके स्पर्म की मोटिलिटी कम है, या आपके शुक्राणु की कमी है, या आपके शुक्राणु जो है बनावट में ठीक नहीं है, तो इसके लिए आप किसी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, उससे इलाज ले सकते हैं। अगर आप हमसे इलाज लेना चाहें तो हम भी आपको सलाह देंगे, आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए, और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अब लेता हूं विदा, मिलता है किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।